हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर साइल का ज्ञान। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। क्या होता है भाई, कैसे होता है, पूरा कम्प्लीटली इस वीडियो में अपन समझेंगे। इन मशीन लर्निंग में आपको देखने को मिलता है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। एंड आपको बता दूं, आपने री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ी है, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, अपन इसको भी इसमें कवर कर लेंगे और ये वाला मॉडल भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यार, काय को टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आओ। तो सबसे पहले देखो, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस क्या है। बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपको एक चीज समझनी है, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस एक री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम है। अब री इन्फोर्समेंट लर्निंग आपको मैंने पहले भी बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है इसके अंदर, इट इज ए टाइप ऑफ लर्निंग इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का ही टाइप है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, जिसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी एजेंट है वो कोई भी डिसीजन लेगा या एक्शन परफॉर्म करेगा तो वो एनवायरमेंट पे क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा, ठीक है। उससे जो रिवॉर्ड मिलेगा यानी जो भी फीडबैक मिलेगा वो एजेंट रिसीव करेगा, उसको किस में स्टोर कर रहे हैं अपन, स्टेट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, कर दिया स्टोर, ठीक है। अब वो स्टोर डेटा है ना, उसको यूज करके अब अपन नेक्स्ट स्टेप लेंगे, यानी कि अपने पास एक एक्सपीरियंस डेटाबेस हो गया, उसको यूज करके अब नेक्स्ट एक्शन लिया जाएगा उसको ध्यान में रखकर। तो फिर अगर फर्दर आप एनवायरमेंट पे एक्शन करोगे, फर्दर रिवॉर्ड मिलेगा, उसको स्टोर करोगे, इस तरह से क्या होगा, आपका मॉडल अपने आप सीखता जा रहा है अपने आप। तो यही तो अपना काम है यार, मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, मशीन को इस तरह कैपेबल बना देना है कि वो खुद से काम करे, तो वही तो ये कर रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इसके अंदर मार्कोव डिसीजन प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, वो भी सेम चीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपन इससे समझते हैं इसको, एक अपने पास ये ग्रिड है, ठीक है, या चेस समझ लो, एनीथिंग। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, ये आपकी जो ये बंदा है, ये बंदा क्या है, इसको स्टार तक पहुंचना है, तो इसके लिए ये यूज कर रहा है आपका मशीन लर्निंग का मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, जिसके अंदर ये डिसीजन बनाएगा, कैसे, इसमें एजेंट होगा, वो डिसीजन लेगा किस पर, एक तरह से एनवायरमेंट या बोल दो आप स्टेट भी बोलते हो इसको, कह लो जैसे पोजीशन, पोजीशन के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसके एक्शन, एक्शन यानी डिसीजन क्या क्या है इसके, तो इसके है अप डाउन लेफ्ट राइट, ये ही इसके डिसीजन है, इसके अलावा कोई डिसीजन नहीं है। या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या जा सकता है राइट, या जाएगा लेफ्ट, और डाउन तो जा नहीं सकता क्योंकि नीचे कोई ग्रिड है नहीं, होता तो ये डाउन जाता। अब इस केस में देखो पॉसिबिलिटी क्या है, क्या ये राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, अप जाएगा। एक कुछ चीज समझो, ये जो लाइन बना रही है इसका मीनिंग है कि यहाँ पे ब्लॉक है, इसके ऊपर आपका पर्सन नहीं आ सकता है। एक और चीज, यहाँ पर ये फायर है, आग लग रही है, आग के अंदर थोड़ी पर्सन कूद जाएगा, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो देखो अपन को पहुंचना कहाँ पे, टारगेट अपना स्टार तक जाना है इस पर्टिकुलर पर्सन को। तो देखो लेफ्ट जाएगा ये, अगर सपोज करो सबसे पहले राइट जाएगा तो यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, वापस लेफ्ट आना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी बहुत बहुत माइनर है, जीरो है। इधर लेफ्ट जाने की तो फिर भी है, लेफ्ट जाने की है, फिर और लेफ्ट जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर राइट राइट राइट, लंबा रास्ता है लेकिन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है पॉइंट टू हो वन में से। अब इसमें अब जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, हायर है, क्योंकि जैसे ही अब जाएगा फिर फर्दर अप जाएगा, फिर राइट जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो अपन एक्शन क्या क्या हुआ बताओ, अप गया सर, फिर अप गया, फिर क्या हुआ, फिर सर राइट गया, आर आई जी एस टी। तो ये हमारे एक्शन परफॉर्म हुए और ये आपके स्टेट यानी एक तरह से स्टोर हो गए और आपका रिवॉर्ड मिल गया। अब देखो चेस के अंदर हो चाहे इसके इस केस के अंदर हो, क्या होता है, देखो इसमें जो भी अपन डिसीजन बनाते हैं वो करंट पोजीशन के ऊपर बनाते हैं। लाइक अभी बंदा यहाँ पर है तो इसके पर्सपेक्टिव से सोचा अपन ने कि लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, अप जाएगा। एक बार सपोज करो यहाँ पे आ गया वो बंदा इस वाली पोजीशन पे, अब पास्ट में क्या हुआ है वो डजंट मैटर। अब आप इस वाली पोजीशन के कोरिस्पोंडिंग चीजें सोचोगे कि अप जाएगा कि डाउन जाएगा, लेफ्ट जा नहीं सकता, राइट नहीं जा सकता, फिर अगर यहाँ पहुंचे तो इस वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। यही होता है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस आपकी, जिसके अंदर पर्टिकुलर पोजिशन पे पहुंचने पर उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा। जो पास्ट में क्या हुआ इट डजंट मैटर, आपने जो स्टेप ले लिया उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर स्टेप आपको लेना है। तो इसके अंदर एमडीपी को ये बताया कि सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स होती है, यानी कि पोजीशन होती है आपकी, सेट ऑफ एक्शंस आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, सेट ऑफ मॉडल्स होते हैं इसके अंदर, और रिवॉर्ड फंक्शन होता है आर ऑफ एस कोमा ए, ये स्टेट हो गया एस और ए आपका क्या हो गया, एक्शन हो गया। ए पॉलिसी द सोल्यूशन ऑफ एमडीपी, अब पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी है आपकी सोल्यूशन ऑफ एमडीपी। एमडीपी क्या है आपका, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस का सोल्यूशन ही पॉलिसी है। तभी तो आप इस लाइन के नीचे देख रहे हो तो ये पॉलिसी है और ये वाली स्टेट है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखो ये तो हो गया आपकी स्टेट, ठीक है, अब जो भी पर्टिकुलर मॉडल आप यूज कर रहे हो, लाइक ये मॉडल यूज कर रहे हो, तो इसके लिए ये हो गया स्टेट, स्टेट एंड एक्शन, ठीक है। एक्शन के लिए उन्होंने यूज करा ए ऑफ एस, स्टेट के ऊपर एक्शन यानी पोजिशन पे, और ओनली एक्शन। रिवॉर्ड के अंदर आर ऑफ एस हो सकता है यानी स्टेट के ऊपर रिवॉर्ड, या एक्शन और रिवॉर्ड दोनों को मिला के रिवॉर्ड, एक्शन रिवॉर्ड और नॉन स्टेट के ऊपर रिवॉर्ड, ठीक है।
तो इन सब का अगर अपन जो सब निकालते हैं एक तरह से, क्योंकि अपना मेन टारगेट क्या है, अपन को मैक्सिमाइज करना है क्या आउटपुट को, और मिनिमाइज क्या करना है रिस्क को, रिस्क सबसे कम हो और आपके रिवॉर्ड क्या हो सके मैक्सिमाइज हो सके, यानी कि बेस्ट आउटपुट मिल सके। अपन को ऐसा मॉडल बनाना है जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो और प्रिडिक्टिव मॉडल हो बहुत अच्छा वाला। तो ये पॉलिसी हो गई सॉल्यूशन। तो इसको बोल दिया इन्होंने इंडिकेट्स एक्शन ए टू बी टेकन व्हाइल इन द स्टेट एस, ठीक है, वो एक्शन जो स्टेट के अंदर लिया गया पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया इस वाली पोजीशन पे, तो इसके कोरस्पॉन्ड अब आपको एक्शन लेना है, यहाँ पर आ गया तो इसके कोरस्पॉन्ड एक्शन लेना है, जो ही सॉल्यूशन आपका क्या होगा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस खिलाएगा। इट्स सिंपल, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, आपको ये बस ये डायग्राम ये समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल्स क्लियर होने चाहिए और ये थ्योरी पता होनी चाहिए, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा। स्टिल एनी डाउट यू कैन एंड कमेंट एंड ड्रॉप ए कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।